सो गाइस वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज यहाँ पे हम लोग इस टाइप का जो भी इक्वेशंस होता है दैट इज स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे एंड पैरेलली इसका जो भी सॉल्यूशन टेक्निक है वो भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, बट इस टाइप की इक्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड PDE रिलेटेड अगर आपको शॉर्ट टेक्निक्स चाहिए या फिर क्वेश्चंस को बहुत इजीली कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उस टाइप का बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके इजीली देख सकते हो। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाके इजीली रख भी सकते हो। ओके, तो देखो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इस तरह है कि डेल यू डेल टी इक्वल्स टू के टाइम्स डेल टू यू डेल एक्स टू, वेयर एक्स एंड टी दिस आर ग्रेटर देन जीरो एंड के क्या है, के दिस इज कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, तो जो गिवन कंडीशंस है दिस आर, पहले क्या है यू, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तब यू जीरो टी इसका वैल्यू आएगा यू जीरो, जब टी इक्वल्स टू जीरो होगा तब यू एक्स जीरो इसका वैल्यू होगा जीरो। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर वन था इसकी बोथ साइड में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी की रेस्पेक्ट में हम लोग इस इक्वेशन की बोथ साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे एंड जो भी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू आएगा उसको डिनोट करेंगे यू से। ओके, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी, इट इज़ गोइंग टू बी लैपलास ट्रांसफॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी यू बार एक्स कॉमा एस। ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है। इस स्टेप में बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में एज इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी देखो ये जो टर्म आ गया इसमें हम लोग को करना क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू डैश, इसके लिए एक बार आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो भी टेबल है उसको रिकॉल करना होगा। तो डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, एस इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, ओके, माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो, बिकॉज वी आर टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, नाउ अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ऑब्वियसली इस साइड में तो एज इट इज़ क्योंकि दिस इज़ यहाँ पे आपका जो भी पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो कोई फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये जो सिंगल या फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज़ डी टू यू टी एक्स टू यू बार ऑफ एक्स एस, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में जो भी यू ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू गिवन था दैट इज़ ज़ीरो पुट अप कर देंगे एंड उसके बाद ये जो PDE गिवन था दिस PDE विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल ODE। फाइन, आप लोग कॉपी में करो स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो PDE था ये ODE में ट्रांसफ़र हो गया एंड इस टाइप का जो भी ODE है बहुत ही स्टैंडर्ड एंड वेल नोन है, कोई भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है एंड फाइनली आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अगर आप सॉल्व करोगे तो, वेर ए एंड बी दीज आर कॉन्स्टेंट एंड ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कंडीशंस। ओके, अभी ये जो यू बार ऑफ एक्सेस दैट इज बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग ले रहे हैं, तो इसका एक्सप्रेशन आ गया कुछ ऐसा। अभी अगर आप फिजिकली ट्रीट करोगे इसे तो एज एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, एज एक्सटेंस टू इन्फिनिटी ये क्या होना चाहिए एक्चुअल में, एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, बट एज एक्सटेंस टू इन्फिनिटी ये जो टर्म आएगा दिस विल बी ज़ीरो। फाइन, बट ये जो टर्म आएगा देखो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, करेक्ट। फाइन, बट यहाँ पे यू बार ऑफ एक्सेस को क्या एक्सपेक्टेड है, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, दैट इम्प्लाइज ये जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड की सिचुएशन पे है दिस कॉन्स्टेंट मस्ट बी इक्वल विद ज़ीरो। ये अगर कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली आप इसको देख के ही आपको समझ आ गया है कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, दैट मीन्स
u bar of x s, u bar of x s will be zero, as x tends to infinity. बट कब होगा? जब ए इक्वल्स टू जीरो आएगा, करेक्ट. तो इसी तरह आपके हाथ पे जो भी कांस्टेंट ए है, इसका वैल्यू आ गया जीरो. देखो यही आपको मिल रहा है, ए इक्वल्स टू जीरो. तो ए इक्वल्स टू जीरो पुट अप करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आ गया. अभी नेक्स्ट काम क्या है? बी को फाइंड आउट करना. बी को फाइंड आउट करना और भी ईजी है. देखो क्या हो रहा है. u u x t, जब x इक्वल्स टू हम लोग जीरो पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है? u जीरो मिल रहा है. दैट इज, अगर उसकी बाद वाली स्टेप में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं बोथ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? u बार ऑफ जीरो कॉमा s u जीरो इन टू मल्टीप्लाई विथ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन. और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या है? वन बाई एस. उस तरह आपको क्या मिला? यू जीरो बाई एस मिला. फाइन, क्लियर. नाउ अभी देखो ये जो यू बार ऑफ एक्सेस है, यहाँ पे अगर लोग एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा. तो ये बी मिला फ्रॉम थ्री. बी इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला? यू जीरो बाई एस. फाइन, तो इस तरह आपको क्या मिला? b इक्वल्स टू यू जीरो बाई एस. तो a इक्वल्स टू जीरो है, b इक्वल्स टू यू जीरो बाई एस है. तो भी ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू पुट इन द फाइनल एक्सप्रेशन एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग. ऑलराइट, तो अभी क्या करना है? जस्ट सिंपल वर्क है. इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लो बोथ साइड में एंड आपको कुछ ऐसा मिलेगा. ओके, तो यू एक्स टी इक्वल्स टू इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फेलो एंड यू जीरो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आएगा. और बाकी जो टर्म रह गया, ये जो टर्म रह गया ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंटरी एरर फंक्शन है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दे दिया है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो. यह है कॉम्प्लीमेंटरी एरर फंक्शन की फॉर्मूला. ऑलराइट, तो देखो अगर आपको ये पता नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का अगर फार्मूला पता नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो? अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा तो आप अप टू दिस यहाँ तक भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये क्या मोर और लेस एक प्रोसीड्यूर जिसकी मदद से हम लोग ये जो हीट इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली एक्चुअली. तो अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ एंड आप इजीली वहाँ पे पूछ सकते हो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बट मेक श्योर कि ये जो इन्फॉर्मेशन या फिर अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो ऑब्वियसली आप इसको शेयर करो. और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड बाय.